देश में कोरोना के बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड की कोविड शील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिली है, जिसकी कीमत 200 रुपए प्रति डोज होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सूत्रों ने आज तक को इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कीमत हमेशा से ही तय था, एग्रीमेंट का कोई इश्यू नहीं है। प्रति डोज की कीमत 200 रुपए तय की गई है। भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से इसी कीमत पर वैक्सीन डोज खरीद रही है। सूत्रों ने आज तक से बातचीत में यह भी कहा है कि सोमवार शाम को पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप रवाना हो जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सूत्रों ने बताया कि सरकार की तरफ से फाइनल पेपर वर्क में थोड़ा समय लगा, जो अब पूरा हो चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से खरीद के आदेश मिले हैं। पहले खेप में 11 मिलियन डोज मंगाए गए हैं। आने वाले समय में संख्या और बढ़ाई जाएगी। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर तैयार किया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट विश्व की गिनती विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता कंपनी के रूप में की जाती है। कोरोना वायरस के शुरू होते ही कंपनी ने वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि 16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर सभी राज्यों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में 89 साइट फाइनल की गई है, जैसा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। उसी के हिसाब से पहले फेज में सभी अस्पतालों में वैक्सीनेशन होगा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।